इसमें कोई खराब बात नहीं है, अपनी भाषा में पढ़ाई करना और आगे बढ़ना ये हर एक का अधिकार है। और इससे हमने तय किया है कि हम अंग्रेजी की अनिवार्यता मेडिकल कॉलेज जैसी पढ़ाई में नहीं रखेंगे। एक तरफ रोजगार के बराबर अवसर और दूसरी तरफ पढ़ाई में भी बच्चे पीछे ना रह जाए। मेरे बेटा बेटियों, पिछली सरकार ने संबल योजना बंद कर दी थी, अभी मैं मेधावी बच्चों से मिलते आ रहा हूं जिन्हें अच्छे नंबर लाए मेरिट में, वो किसी वर्ग के हो किसी समाज के हो, मैं अपने इन बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि तुमको मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करना, अगर अपनी प्रतिभा के बल पर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIM में होगा, BBA में होगा, तो फीस होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 8 लाख 7 लाख 9 लाख रुपया साल। ये सामान्य परिवारों के बच्चे, गरीबों के बच्चे दे नहीं सकते। और जब मैं फिर से मेधावी विद्यार्थी योजना प्रारंभ करने का फैसला किया है, अगर 7-8 लाख रुपया साल की फीस होगी तो चिंता मत करना, वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाने का काम करेगी। पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। जो गुंडे, जो
गलत नजर उठाने वाले जमीन दोज कर दिए जाएंगे, बुलडोजर चलेंगे और पूरी तरह से उनको तोड़ दिया जाएगा। उनको मध्य प्रदेश की धरती पर मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, बताओ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? जो सरकार होनी चाहिए कि नहीं? कैसे मैं छोड़ने लगा? इसमें देर किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। और ये भी पता लगाना जो धैर्यवाद कौन था अपने पास को गुंडों और बदमाशों को मध्य प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं रहेगी। ये बिंदु चाहे मध्य प्रदेश हो, शांति का टापू है, यहाँ गड़बड़ करने वालों को मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश में आज दिन 3,33,000 बेटा बेटियों को रोजगार मिला है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है, इसे पूरे प्रदेश में आज मुझे सुन रहे सभी बहनों भाइयों भांजे भांजियों दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। मेरे प्रिय बहनों भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य चाहे केंद्र में मोदी जी हो और चाहे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अधिकतम रोजगार के अवसरों को सृजित करना। और आज मुझे बता दो खुशी है, यह गांव विकास सेक्रेटरी जी बता रहे हैं, हमने तय किया है मेरे बेटा बेटियों हर महीना एक दिन रोजगार दिवस के रूप में बनाएंगे। और पहले मैंने तय किया कि हर महीने 1,00,000 बच्चों को रोजगार देंगे। खुशी है, हमने विवेकानंद जयंती पे यह शुरू किया, January 12 को पूरे मध्य प्रदेश के 5,26,000 नौजवानों को रोजगार से हमने जोड़ा, 16 फरवरी को फिर रोजगार दिवस हुआ और अभी 5,04,000 लोगों को रोजगार मिला। और आज जब मैं रीवा में खड़ा हूं, पूरे मध्य प्रदेश में 3,33,000 बेटा बेटियों को स्वरोजगार के लिए लोन दिया जा रहा है, उनकी निकाली जाएगी जिस पर लगातार काम चल रहा है। अभी भी फिर चाहे पुलिस की हो और चाहे शिक्षा विभाग की हो, अभी फिर पुलिस की भर्तियां निकल रही है और एक परिवर्तन मैंने दिया है। अब तक उस भर्ती में केवल कौन मेरिट में आता है, ज्यादा नंबर लाता है, उसी का ध्यान रखा जाता था और उसके कारण गांव में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सितंबर तक प्रति व्यक्ति गरीबों को 5 किलो राशन फ्री में दिया जाएगा। कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर भूखा नहीं।